वी हैव टू डिस्कस द बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो अगर हम बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को सबसे पहले देखें, तो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं हमें पता है वो स्टीरॉयडल इन नेचर हैं। तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट से हम देखते हैं तो हमारे पास दो तरीकों की क्लासिफिकेशन होती है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की। एक जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरी ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन तो वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाते हैं दो टाइप्स, एक C19 ग्रुप और दूसरा C21 ग्रुप। C19 ग्रुप का मतलब यह है कि वो स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास 19 कार्बन हो टोटल एज अ होल, ठीक है। C19 का क्या मतलब, 19 कार्बन टोटल एज अ होल, ठीक। उसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है एंड्रोजन, ठीक, एंड्रोजन उसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें C19 में क्या होता है कि C19 में 17th कार्बन पे, C19 टोटल मतलब उसके अंदर कार्बन होंगे, स्टीरॉयड का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें टोटल कार्बन 19 कार्बन है, उसमें से 17वें कार्बन के ऊपर, 17th कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O एट द 17th कार्बन, किसके, C19 ग्रुप के अंदर, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं C21। C21 का मतलब ये है कि उनके अंदर टोटल एज अ होल हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 21 कार्बन, ठीक है। 21 कार्बन का स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर होगा हमारा। कौन कौन से हार्मोन्स उसमें आ जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लाइक एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिजोन, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, 21 कार्बन के ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसमें हमारे पास 21 कार्बन्स होते हैं। उस 21 कार्बन वाले स्टीरॉयड के अंदर एट पोजिशन नंबर 17 हमारे पास क्या होगी, दो कार्बन की चेन लोकेटेड होगी। टू कार्बन चेन इज लोकेटेड एट 17th कार्बन ऑफ 21 कार्बन ग्रुप, ठीक है। हमारे पास 17th कार्बन पे टू कार्बन की चेन लोकेटेड होगी ये C21 वाले ग्रुप के अंदर, ठीक। उसके बाद इस C21 के ग्रुप के अंदर और कौन सी पेक्युलैरिटी होती है, वो ये होती है कि इस ग्रुप के अंदर, यानी कि ये जो 21 कार्बन का स्टीरॉयड जो है उसमें एट कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 देर विल बी अ डबल बॉन्ड, ठीक है। एट कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद हमारे पास क्या पेक्युलैरिटी है 21 कार्बन के ग्रुप के स्टेरॉइड्स के अंदर, कि एट कार्बन नंबर 3 हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ होगा, यानी कि एट कार्बन नंबर 3 देर विल बी अ कीटोन ग्रुप। चीज़ समझ में आ गई कि C21 क्या है, ऐसा स्टेरॉइड जिसमें 21 कार्बन हैं। उसमें फिर हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास ये है कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, जैसे 17 कार्बन के ऊपर हमारे पास दो कार्बन की चेन लोकेटेड होगी, और उसके बाद हमारे पास कार्बन नंबर 4 और 5 पे हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। थर्ड कार्बन पे हमारे पास कीटोन ग्रुप अटैच होगा। तो इनसे होता क्या है कि इनसे हमारे पास है ना, इन स्टीरॉयडल हार्मोन्स को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए इजीनेस मिलती है। लाइक ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है एट कार्बन नंबर 3, और उसके बाद एक और एक जगह पे भी हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, वहाँ पे इनसे क्या होता है, इनसे हार्मोन की कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे एक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से हमारे पास इन्हीं 21 कार्बन के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारे पास OH भी लगा हुआ होता है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि सोडियम रिटेंशन प्रॉपर्टी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की इंक्रीज हो जाती है। लाइक कि ये जो 21 कार्बन का स्ट्रक्चर है, इस पे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्पेसिफिक ग्रुप्स लोकेटेड होते हैं जो कि इनके एक्शन को इन्हांस करते हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमें पता है कि भाई सारे हार्मोन्स जो हैं ये स्टीरॉयडल इन नेचर होते हैं, अब बायोकेमिकल एस्पेक्ट से अगर हम देख रहे हैं तो हमें इन स्टीरॉयडल हार्मोन्स की, पर्टिकुलरली नाउ वी आर डिस्कसिंग द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसमें कॉर्टिसोल, तो हमें कॉर्टिसोल की सिंथेसिस देखना लाजमी है। अब कॉर्टिसोल कैसे सिंथेसाइज होगा, इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है भाई, हाइपोथैलेमस ने कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराया, वो उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि भाई तुम एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कराओ। ACTH आया, ACTH गया हमारे पास वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा वाले सेल्स के ऊपर, उनको बोला कि भाई अब तुम जो है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर अगर तुम्हारे अंदर हो, ड्रॉपलेट्स बाय एक्टिवेटिंग CAMP से हमारे पास एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे सेल के अंदर, और फिर वो एंजाइम्स क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में से कोलेस्ट्रॉल अलग करा देंगे, ठीक। एक तो ये एक्शन ACTH ने परफॉर्म करवा दिया। दूसरा क्या करा देगा कि हमारे पास ये जो जोना फेसिकुलेटा के सेल्स जो होंगे उनके ऊपर लिपोप्रोटीन
LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर बढ़ा देगा ताकि हमारे पास प्लाज्मा से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इनसे अटैच हो सकें, अटैच होने के बाद वो इनको कोलेस्ट्रॉल दे सके, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। अब वो कोलेस्ट्रॉल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अब हमें पता है कि हम कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कराते हैं किसके अंदर, प्रेगनेनोलोन के अंदर। कोलेस्ट्रॉल को किसके अंदर कन्वर्ट कराते हैं, प्रेगनेनोलोन के अंदर। अब ये कैसे होता है कि पहले कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें पता है कि यार इसके अंदर 21 कार्बन या 22 कार्बन होते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इसकी जो साइड चेन होगी, आखिरी वाली साइड चेन, उसमें हमारे पास क्या होगा कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेज, वो क्या कराएगा, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा, इनमें OH ग्रुप लगा देगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि एंजाइम जो है वो अब इनको क्लीव करा देगा। पहले इसने हाइड्रोक्सिलेशन करवाई एट C21 एंड C22 पोजिशन, उसके बाद उसी साइड चेन को क्लीव करा देगा, ठीक है। उसी साइड चेन को डेस्मोलेज एंजाइम है वो क्या करा देगा, क्लीव करा देगा। तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से दो ग्रुप आ जाएंगे, एक जिसको हम कहते हैं प्रेगनेनोलोन, दूसरा जिसको हम कहते हैं आइसोकैप्रोइक एसिड। पहले क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल की हाइड्रोक्सिलेशन हुई, हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद अब हम साइड चेन को क्लीव करा देंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि दो चीज़ें आ जाएंगी, प्रेगनेनोलोन, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, आइसोकैप्रोइक अल्डिहाइड। आइसोकैप्रोइक अल्डिहाइड को चलो बेटा साइड में कर दिया, बाकी चीज़ क्या आ गई, प्रेगनेनोलोन। अब ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम था हाइड्रोक्सिलेज, इसके अंदर क्या था, अगर इस हाइड्रोक्सिलेज की कंपोजिशन हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास साइटोक्रोम P450 होता है, साइटोक्रोम प्रोटीन है जो कि हमारे पास एंजाइमेटिक एक्शन रखता है, वो इसके अंदर मौजूद होता है इस हाइड्रोक्सिलेज के अंदर। साथ साथ में अब हम जितने भी आगे स्टेप्स देखेंगे, जिस जिस में भी हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज आएगा, सो दैट हाइड्रोक्सिलेज नीड ऑक्सीजन, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर OH फिक्सेशन करवा सके। और OH का मैंने जिक्र किया तो जाहिर सी बात है H का भी होना लाजमी है, तो That H will come from NADPH, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलेज के लिए क्या दो चीज़ों का होना लाजमी है, ऑक्सीजन प्लस NADPH, ठीक है, NADPH का होना लाजमी है और ऑक्सीजन का होना लाजमी है। ऑक्सीजन का होना इस वजह से लाजमी है ताकि वो हाइड्रोक्सिलेशन करवा सके, और हाइड्रोक्सिलेशन खाली O से नहीं होती, H की भी ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास NADPH से आता है। नाउ फ्रॉम वेयर दैट NADPH टू कम्स फ्रॉम HMP शंट। तो हमारे पास ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ACTH, वो हमारे पास जब इन कॉर्टिकल सेल्स के ऊपर ऐड करेगा तो ये हमारे पास इनको बोलेगा कि भाई तुम HMP शंट भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट कराओ ताकि NADPH तो आए। NADPH आएगा तो फिर वो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोक्सिलेशन होगी ना। अगर NADPH ही नहीं आया, NADPH की ही कमी हो गई, तो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन ही नहीं हो सकती, ठीक। चीज़ समझ में आ गई कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीजेस HMP शंट ताकि हमारे पास NADPH आए। और मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक चीज़ समझाई थी कि NADPH इज प्रोड्यूस फ्रॉम HMP शंट। तो हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम हमारे पास आएगा जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, उससे हमारे पास NADPH बनेगा, NADPH फिर हम इसको इधर सप्लाई करा देंगे, ठीक। अब हमारे पास क्या हो गया कि भाई कोलेस्ट्रॉल से बन गया प्रेगनेनोलोन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, समझ में आ गई, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये प्रेगनेनोलोन कहाँ जाएगा, प्रेगनेनोलोन विल गो इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रेगनेनोलोन अब हमारे पास कहाँ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वहाँ पे जाएगा। चलो भाई समझ में आ गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये चले गया। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक और एक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लोकेटेड होगा। वहाँ पे क्या होगा, 17OH हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लोकेटेड होगा। उसमें भी क्या, उसको भी क्या रिक्वायर होगा, NADPH2 रिक्वायर होगा और ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। तो वो एंजाइम क्या करेगा, वो हमारे पास NADPH2 से हाइड्रोजन लेगा और ऑक्सीजन लेगा, और फिर OH किसके अंदर लगा देगा, प्रेगनेनोलोन के अंदर एट 17th पोजीशन पे हमारे पास क्या करेगा कि है ना वो OH लगा देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेगनेनोलोन विल बी कन्वर्टेड इनटू 17OH प्रेगनेनोलोन, ठीक है। अब फिर ये 17OH प्रेगनेनोलोन के ऊपर एक और एंजाइम ऐड करेगा, आइसोमरेज प्लस हाइड्रोजिनेज। अब इतनी बेवकूफाना वाली लाइन लिखी हुई है चटर्जी में, वो ये है कि प्रेगनेनोलोन 17OH प्रेगनेनोलोन जब इसके ऊपर ये हमारे पास आइसोमरेज प्लस हाइड्रोजिनेज, ठीक है,
आइसोमरेज प्लस हाइड्रोक्सिलेज, सॉरी हाइड्रोक्सिलेज से मैंने हाइड्रोजिनेज लिख दिया बोर्ड पे, ठीक है। तो 17OH प्रेगनेनो लोन के ऊपर जब आइसोमरेज प्लस हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा, तो चटर्जी की इतनी अजीब सी लाइन है, वो कहती है कि पहले ये 17OH प्रेगनेनो लोन को दोबारा प्रेगनेनो लोन के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर प्रेगनेनो लोन को दोबारा ये प्रोजेस्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब अजीब सी बात हो गई ना कि जब इसको 17OH प्रेगनेनो लोन को दोबारा प्रेगनेनो लोन के अंदर कन्वर्ट करना ही था तो बनाया क्यों, मतलब अजीब कि क्या होता है प्रेगनेनो लोन हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वहाँ पे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है 17OH प्रेगनेनो लोन, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है हाइड्रोक्सिलेज, 17OH हाइड्रोक्सिलेज, 17OH हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा प्रेगनेनो लोन को कन्वर्ट कराएगा 17OH प्रेगनेनो लोन के अंदर। अब इस 17OH प्रेगनेनो लोन के ऊपर आइसोमरेज और हाइड्रोक्सिलेज ये दोनों ऐड करेंगे, वो क्या करेंगे, वो दोबारा पहले इसको प्रेगनेनो लोन बनाएंगे, प्रेगनेनो लोन बनाने के बाद इसको प्रोजेस्ट्रॉन बनाएंगे। अजीब, मतलब पहले 17OH प्रेगनेनो लोन को दोबारा प्रेगनेनो लोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे उसको बनाएंगे प्रोजेस्ट्रॉन। अब प्रोजेस्ट्रॉन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन गया, अब दोबारा 17OH है ना हाइड्रोक्सिलेज ऐड करेगा, 17OH हाइड्रोक्सिलेज इसके ऊपर ऐड करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 17OH प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन आ गया। अब प्रोजेस्ट्रॉन के ऊपर दोबारा 17OH हाइड्रोक्सिलेज ऐड करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, और उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन ट्रेवल हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, और सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन अभी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही है, ठीक है, और वो हमारे पास क्योंकि 17OH हाइड्रोक्सिलेज वहाँ पे मौजूद होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो प्रोजेस्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू 17OH प्रोजेस्ट्रॉन बाय एन एंजाइम कॉल्ड 17OH हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 17OH हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल कन्वर्ट प्रोजेस्ट्रॉन टू 17OH प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक। अब फिर ये 17OH प्रोजेस्ट्रॉन हमारे पास कहाँ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास क्या होगा एक और एंजाइम होता है जो कि हमारे पास एक और हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन तो मुझे मतलब पर्टिकुलर नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, वो कन्वर्ट कर देता है 17OH प्रोजेस्ट्रॉन को 11-hydroxy कॉर्टिसोल के अंदर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो हाइड्रोक्सिलेज है वो क्या करता है, वो 17OH प्रोजेस्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देता है 11-hydroxy कॉर्टिसोल के अंदर। बस इसके अंदर OH डालते जाओ तो आपके पास जो है ना नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 17OH प्रोजेस्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू 11-hydroxy कॉर्टिसोल इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर 11-hydroxy कॉर्टिसोल विल गो इन द माइटोकॉन्ड्रिया अगेन, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास एक और एक हाइड्रोक्सिलेज होता है, वो क्या करेगा, वो हमारे पास 11-hydroxy कॉर्टिसोल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कॉर्टिसोल के अंदर, और फिर कॉर्टिसोल जो होता है वो हमारे पास ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा और वो अपने प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर फर्दर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक। नाउ अगर हम एक्शंस देखते हैं तो बस हमने एक्शंस फिजियोलॉजिकली ही होते हैं, बस इसमें थोड़ी सी बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स पे देखेंगे कि ये किस किस चीज़ को इंक्रीज करा देता है, किस चीज़ को डिक्रीज करा देता है। तो पहला अगर हम इसका एक्शन देखते हैं ऑन इम्यून सिस्टम, तो ये हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स के पास जाएगा, ठीक है, हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स के पास जाएगा लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर, लाइक थाइमस में चले गया, थाइमस में जाने के बाद थाइमस के जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होंगे, लिम्फॉइड सेल्स होंगे, उनके ऊपर ऐड करेगा बाय प्रोमोटिंग द एक्शन ऑन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये हमारे पास ग्लूकोइड वो स्टीरॉयडल इन नेचर है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में चले जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा वहाँ पे अपने रिसेप्टर से कंबाइन होगा, ठीक है। रिसेप्टर की मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर के पास एक हार्मोन बाइंडिंग साइट होती है, एक हमारे पास है ना वो रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है, और एक जेनेटिक मटेरियल बाइंडिंग साइट होती है। तो हार्मोन जो है हमारा स्टीरॉयड कॉर्टिसोल, वो हमारे पास रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर होगा, उसके हार्मोन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होगा, साइटोप्लाज्म में मौजूद जीन रेगुलेटरी प्रोटीन हमारे पास इसकी रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होगी, और खुद हार्मोन और प्रोटीन का जो हार्मोन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है वो विद इट्स जेनेटिक मटेरियल बाइंडिंग साइट जीन पे हमारे पास कंबाइन हो जाएगा, जीन की भी कौन सी साइट पे, हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट से, ठीक है। तो वो हमारे पास ये कंबाइन हो जाएंगे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, और अब जेनेटिक मटेरियल को ऑर्डर देगा कौन, ये स्टीरॉयड कॉर्टिसोल, कि अब तुम अपनी आम mRNA सिंथेसिस डिप्रेस कर दो, यहाँ पे ये डिप्रेसिंग एक्शन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेगा कि अब तुम mRNA जो कि बनाते हो किसके लिए,
ताकि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल बन सके और फिर सेल डिवाइड हो सके, तो वो उसको mRNA सिंथेसिस नहीं करने देगा। प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हमारे पास लीको ये इंटरल्यूकिंस एंड लीकोट्राइंस जो ये हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अदर लिम्फोसाइट्स, वो प्रोड्यूस नहीं होने देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, पूरा इम्यून सिस्टम हमारे पास सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे ये क्या करता है, ये हमारे पास हर उस एंजाइम पे हर उस एंजाइम को एक्टिवेट करा देगा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कराता है। लाइक हमें पता है कि भाई अगर हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करानी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये हमारे पास कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट कराता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट कराने के लिए हमारे पास एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमें पाइरूवेट को कन्वर्ट कराना होता है किसके अंदर, वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड के अंदर, और ऑक्सलोएसिटिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर, और फिर हम सीक्वेंस ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और वी कैन से रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या करता है, इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे अगर हम देखें तो ये पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिवेशन कराएगा ताकि हमारे पास पाइरूवेट जो है वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो। फिर ऑक्सलोएसिटिक एसिड जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से सेल के अंदर आ जाएगा, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वहाँ पे ये हमारे पास क्या कराएगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करा देगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे पास पूरी जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन चली जाएगी एट द लेवल ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट। फिर जब एट द लेवल ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेट के ऊपर ही हमारे पास एक और की एंजाइम होता है इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6-बायोफॉस्फेटेज, तो उस बायोफॉस्फेटेज को भी हमारे पास क्या कर देगा कि एक्टिवेट करा देगा ताकि हमारे पास फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट मिल सके, ठीक है, सॉरी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट मिल सके। उसके बाद हमारे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से अगर हमें ग्लूकोज चाहिए होता है तो हम आइसोमरेज को ये एक्टिवेट करा देगा। फिर आइसोमरेज को एक्टिवेट कराने के बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से अगर हमें ग्लूकोज चाहिए होता है तो ये हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज को भी एक्टिवेट करा देता है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाएगा और ग्लूकोज ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम प्रोटीन्स के अंदर देखते हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताना भूल गया था कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर के पेरिफेरल टिश्यूज़ में से तो ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करता है, पेरिफेरल टिश्यूज़ के ऊपर तो ये हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करता है, लेकिन लिवर के अंदर ये हमारे पास प्रोटीन एनाबॉलिज्म करता है। लिवर के अंदर ये क्या करता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, ताकि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन का कंटेंट जो है वो नॉर्मल रह सके। बाकी जितना भी मसल के अंदर है ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को तोड़ देगा, बाकी जो है ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उनको तोड़ देगा अमाइनो एसिड के अंदर, और अमाइनो एसिड की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज करा देगा। फिर ये ब्लड के अंदर इंक्रीज अमाइनो एसिड विल गो टूवर्ड्स द रप्चर्ड टिश्यू, कहीं अगर रप्चरेशन वगैरह हो गई है तो उनको उनके पास ये चले जाएगा, ठीक है, रप्चर टिश्यू के अंदर पहुंच जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कहाँ जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास जा सकता है वहाँ पे है ना लिवर के अंदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक। उसका आखिरी फंक्शन इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ऑन द बोन्स के अंदर ये हमारे पास क्या करा देता है, ऑस्टियोपोरोसिस। सो हमारा ये कंप्लीट हुआ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।